वेलकम बैक फ्रेंड्स, आईटीआई यूट्यूब चैनल के एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कैसे आप डेल लैपटॉप में ड्राइवर्स कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ये पहले नए पीसी खरीदते वक्त तो वो अपने आप ड्राइवर्स इंस्टॉल करके देते हैं, अगर नहीं भी देते होंगे तो ये वीडियो उन लोगों के लिए। और जिन लोग जो कि पीसी या लैपटॉप को अभी अभी फॉर्मेट किया है और उनके पास ड्राइवर डिस्क या उन लोगों के ड्राइवर्स के बैकअप नहीं है, तो वो लोग के लिए भी ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कुछ भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ले कोई भी ब्राउजर ओपन करके आप लोगों को सर्च करना है डेल ड्राइवर्स डाउनलोड। यहाँ अगला लिंक होगा ड्राइवर्स एंड डाउनलोड का, डेल इंडिया लिखा हुआ होगा, उस पर क्लिक करना है। ये डेल का ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको इसमें से अपना सर्विस टैग डालना होता है। ये इसको आसानी होता है कि कौन सा ड्राइवर आपके पीसी में इंस्टॉल होगा। अगर आप ये अपने आप होना चाहते हैं, अपने आप डाउनलोड करना चाहते हैं, डिटेक्ट करना चाहते हैं, तो फाइंड माय डेल ईएमसी प्रोडक्ट पर क्लिक करते ही एक डेल का सपोर्ट एप्लीकेशन इंस्टॉल करेगा। फिर अपने आप आपके डिवाइस में से नेसेसरी डिवाइस ड्राइवर्स को रेफर कर देगा। तो जैसे हमें तो पता ही है अपने पीसी के बैक साइड में डेल का प्रोडक्ट आईडी लिखा हुआ होता है, तो मैं पहला वाला ऑप्शन चूज करता हूँ। ऑप्शन चूज करके आप उसमें अपना आईडी डालना है, उसके बाद डिटेक्ट पीसी एंटर करते ही आपको एक और पेज में ले जाएगा। फिर ड्राइवर्स एंड डाउनलोड, उसमें बहुत सारे ऑप्शन है। ड्राइवर स्टिक सपोर्ट टॉपिक्स एंड आर्टिकल्स, मैनुअल एंड डिटेक्शन, सॉरी मैनुअल एंड डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारे ऑप्शन है। आपको ड्राइवर्स डाउनलोड करना है, इसलिए ड्राइवर्स एंड डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरा विंडोज 10 64 बिट का है, ये अपने आप डिटेक्ट हो जाता है। उसके बाद देखिए ये सब रिकमेंडेड ड्राइवर सॉफ्टवेयर से आप इसे एक एक करके भी इंस्टॉल कर सकते हैं या सबको टिक मार्क के एक साथ चेक इन करके इंस्टॉल कर सकते हैं। देखिए डाउनलोड सिलेक्टेड फाइल्स दिखा रहा है सबको, अगर आप चाहें तो सबको एक साथ सिलेक्ट करके पूरी लिस्ट जो जितना भी एमबी का वो फाइल होगा वो काउंट करता जाएगा, आपको दिखा देगा फाइनली। देखिए 546 554 देखिए पूरा हो गया। आप चाहे तो मैनुअली एक एक करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद डाउनलोड सिलेक्टेड फाइल्स पर क्लिक करते ही ये 1.5 GB का फाइल होगा, वही डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। ये सारे एप्लीकेशंस डाउनलोड होने के बाद देखो एक आप जिस लोकेशन में सेव किए होंगे उस लोकेशन में जाके एक एक करके सिंपली नॉर्मल इंस्टॉलेशन प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही चैनल वीडियोस के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। थैंक यू।